आदिवासी सिंगल अभियान का मानना है, या तो हेमंत सोरेन साहब जेल जाएं या बाबूलाल मरंडी जी जेल जाएं, क्योंकि इस समय हेमंत सोरेन के परिवार पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी जी ने जो आरोप लगाया है, सार्वजनिक रूप से तथ्यगत कि लगभग 100 जमीन के डीड में हेमंत सोरेन परिवार ने फ्रॉड किया है। अपना नाम, बाप का नाम बदल बदल के हेमंत सोरेन ने, दुर्गा सोरेन ने और बसंत सोरेन ने जमीन की खरीद बिक्री किया है। इसमें सीएनटी एसपीटी कानून का भी उल्लंघन हुआ है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर इतना जघन्य एक आरोप लगाता है, तो इस पर इमीडिएट जुडिशियरी का संज्ञान, पब्लिक का संज्ञान, मीडिया का संज्ञान होना चाहिए। और ये जनता और जनतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि ये झारखंड राज्य को क्या कोई भ्रष्ट लोग, ठगबाज लोग, ये लोग राजपथ चलाएंगे जो खुद कानून को तोड़ते हैं। और ये विषय डुमरी विधानसभा उपचुनाव में भी उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच में है और ये मुद्दा दोनों गठबंधनों के लिए बहुत जरूरी है। आखिर सच क्या है, सही कौन है? और दूसरी बात हमारी ये है कि हेमंत सोरेन सरकार जितने वायदा किया था सब विफल है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये जेएमएम की सरकार जो है लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और अभी विज्ञापन के सहारे खड़ा है। और इनके पिताजी शिबू सोरेन पहले 3.5 करोड़ में झारखंड को बेचा, अभी हेमंत सोरेन मारंगुरु पारसनाथ पहाड़ को जैनों को बेच दिया और संताली भाषा को यहाँ प्रथम राजभाषा बनाने की जगह और उर्दू भाषा, बंगला भाषा आदि की बात ही लोग करते हैं। तो आदिवासी संगल अभियान डुमरी चुनाव क्षेत्र में आदिवासी समाज को यही संदेश देगा कि जो पार्टी सरना धर्म कोड की बात करेगा, मारंगुरु वापसी की बात करेगा, संताली राजभाषा की बात करेगा, उनको हम लोग वोट देंगे। अन्यथा कोई भी पार्टी जीते, आदिवासी की हार निश्चित है। और यही स्थिति झारखंड में बनी हुई है। बाबूलाल मरंडी जी का जो संकल्प यात्रा है, हम उनसे आग्रह करेंगे वो एक सार्थक विकल्प प्रस्तुत करें, आदिवासी जन भावनाओं के अनुरूप आदिवासी मुद्दों को वो सामने लाएं, तो निश्चित एक विकल्प झारखंड में बन सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।